नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। 12वीं आर्ट्स में 99.19 रहा रिजल्ट, कॉमर्स शीर्ष पर कायम। एक फोन कॉल, तुरंत सरहद के जवानों ने किया रक्तदान, सीमा सुरक्षा बल ने निभाया सामाजिक सरोकार। गुरु पूर्णिमा पर प्योर इंडिया ट्रस्ट की पहल, एक पेड़ आपके द्वार कार्यक्रम किया शुरू। और खबरें विस्तार से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कला विज्ञान और वाणिज्य संकाय के तीनों नतीजों की घोषणा कर दी है। जो विद्यार्थी इस वर्ष कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हुए थे वो अपने परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। परिणाम की घोषणा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली ने किया। इस बार के परीक्षा परिणामों में किसी भी छात्र को फेल नहीं किया गया। आपको बता दें कि परिणाम जारी करने के संबंध में राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 21 जुलाई को सूचना जारी की थी। वहीं कोरोना महामारी के कारण इस बार बोर्ड परीक्षा नहीं हो सकी थी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के बताए गए फॉर्मूले के आधार पर स्कूलों ने अपना रिजल्ट तैयार किया। इस बार भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया और न ही टॉपर घोषित किया गया। अलवर शहर में शनिवार दोपहर को घंटाघर के पास एक बाइक चालक ने सहायक पुलिस निरीक्षक की गिरेबान पकड़ ली। इसके बाद हाथापाई पर भी उतर आया। पुलिस ने बाइक को जब्त कर ली और मामला दर्ज करने में लगी है। कोतवाली पुलिस ने थानाधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि अलवर शहर के शिवाजी पार्क निवासी व्यक्ति करण सिंह राजपूत ने उस समय ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से अभद्रता कर दी जब उसकी बाइक को जांच करने के लिए रोका गया। असल में पुलिस की ओर से मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों के खिलाफ जांच अभियान चला रखा है। इसी कारण करण सिंह राजपूत को ट्रैफिक पुलिस ने रोका। इसी बात पर व्यक्ति आवेश में आ गया और उसने काफी देर तक पुलिसकर्मियों से बहसबाजी की। ये कुछ देर पहले की बात है, घंटाघर पे जो यातायात पुलिस कर्मी है वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति है, इसका नाम अब मालूम चला है, करण सिंह राजपूत है और शिवाजी पार्क निवासी है। इसकी गाड़ी बुलेट मोटरसाइकिल को पुलिस कर्मियों ने चेक करने के लिए रोका, जिस पर ये जो है एकदम उत्तेजित हो गया, आवेश में आकर पुलिस कर्मियों के साथ में अभद्रता की। और जब थाने से अतिरिक्त जाब्ता और भेजा गया तो उन पुलिसकर्मियों के साथ भी इसने जो है हाथापाई की, जिस पर इस व्यक्ति को थाने पर लेकर आए हैं और इस संबंध में अभी FIR दर्ज की जा रही है और आगे जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार की जा रही है। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में तैनात BSF, जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां व मौसम में पड़ोसी देश पाकिस्तान की नापाक हरकतों से देश की सीमाओं की हिफाजत में मुस्तैद है। लेकिन BSF के जवान और अधिकारी सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ कई सामाजिक सरोकारों में भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी भी निभाते हैं। एक ऐसा ही मामला जैसलमेर जिले के में भी दिखाई दिया, जहां मुख्यालय स्थित राज्य के जोहर चिकित्सालय में रक्त कोष में खून की भारी कमी को देखते हुए रक्त कोष प्रभारी ने BSF के अधिकारियों से संपर्क किया तो कम से कम समय में ही जोधपुर रोड स्थित BSF सेक्टर नॉर्थ की 119वीं बटालियन कैंप्स में रक्तदान शिविर का आयोजन कर लगभग 20 यूनिट रक्तदान किया गया। BSF सेक्टर नॉर्थ के डॉक्टर RC बिसारिया ने बताया कि जिला रक्त कोष प्रभारी डॉक्टर दामोदर खत्री ने सूचित किया था कि रक्त कोष में कोरोना व कोविड वैक्सीनेशन के चलते रक्त की भारी कमी है, लेकिन जिले में थैलेसीमिया के कई बच्चे व अन्य मरीजों के साथ ही एक्सीडेंटल मामलों में रक्त की आवश्यकता निरंतर बनी हुई है। ऐसे में BSF के अधिकारियों व जवानों ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए बहुत ही कम समय में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान किया। कल मेरे रक्त को BSF के डॉक्टर साहब डॉक्टर हेमंत जी से मेरी बात हुई थी। हमारे रक्त कोष में रक्त की कमी चल रही है तो उन्होंने तात्कालिक रक्त उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया और फ़ोन करते आज तुरंत लगभग 20 जवानों का रक्त का आश्वासन दिया और इतना आ भी गया है। मैं लगभग 2002-03 से लगातार देख रहा हूँ कि BSF की सारी बटालियनों की तरफ से नियमित रक्तदान शिविर आयोजित होते रहे हैं, तो ये देश की सुरक्षा के साथ साथ में समाज में भी बहुत बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये इनका रक्त निश्चित तौर से कई व्यक्तियों की जान बचाएगा। आज
सिविल हॉस्पिटल जैसलमेर की तरफ से हमारे पास एक डिमांड आया था कि ब्लड की बिल्कुल कमी हो गई है और उनके पास कोई भी ब्लड नहीं बचा हुआ है। तो इमरजेंसी बेसिस पे आज हमने अपने सेक्टर हॉस्पिटल में एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया हुआ है, जिसमें डॉक्टर दामोदर जी हैं जो सिविल हॉस्पिटल में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, उनका टीम आकर के यहाँ हमारे यहाँ ब्लड कलेक्ट करने के लिए आए हैं, जिसमें हमारे सभी बीएसएफ जवानों अफसरों ने बहुत बढ़ चढ़ करके बहुत ही इमरजेंसी टाइम में ब्लड डोनेट किया है उनकी रिक्वेस्ट पर। और हम एक सिविल एक्शन है, हम लोग सभी टाइम टाइम पे करते रहते हैं। हमारी जो मेन ड्यूटी है बॉर्डर का रखवाली करना, उसके साथ साथ में हमारा जो सिविल का ऑब्लिगेशंस है ना, हम उनको भी है टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट सभी चीज़ करते रहते हैं। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के तत्वाधान में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम पिंडवाड़ा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय जगदेव राम उराव के प्रथम पुण्यतिथि पर उनके जीवन के संबंध में पुस्तिका विमोचन का कार्यक्रम आदर्श विद्या मंदिर पिंडवाड़ा में संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रांत संगठन मंत्री जगदीश कुलमी, स्थानीय आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया, जनजाति सुरक्षा मंच के जिला अध्यक्ष धनाराम सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। वहीं मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर पुस्तिका का विमोचन किया। अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिंडोन इकाई की ओर से शेरपुर के राजकीय विद्यालय में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता योगेंद्र डागोर ने भारत माँ के अमर सपूत चंद्रशेखर आजाद को याद करते हुए कहा कि चंद्रशेखर आजाद से अंग्रेजी हुकूमत थर थर कांपती थी। उन्होंने कहा था कि मैं आजाद था, आजाद रहूंगा, आजाद हूँ, और वो सच में अपनी अंतिम सांसों तक आजाद रहे हैं। उनके राष्ट्र प्रेम ने देश के लाखों युवाओं को हृदय में स्वाधीनता की लौ जलाई है। करौली में प्योर इंडिया ट्रस्ट करौली द्वारा एक पेड़ आपके द्वार महाअभियान कार्यक्रम की शुरुआत गांव मनोहरपुरा से की गई। करौली प्रोजेक्ट मैनेजर खुश बिहारी व्यास ने बताया कि यह कार्यक्रम हरियालो राजस्थान के तहत किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत मनोहरपुरा गांव के केला देवी से की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केला देवी थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सिंह उपस्थित रहे। निर्देशन में कार्यक्रम एक महीने चलेगा, जिसमें संस्था के द्वारा 25,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ये पेड़ पौधे गांव गांव सभी आंगनबाड़ी सेंटर, सभी थाने व पीएचसी सेंटर आदि में निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। जालौर जिले के रामसिंह पुलिस थाना क्षेत्र के मोदरान गांव में स्थित श्री आशापुरी माताजी मंदिर में के ट्रस्ट व्यवस्थापक व प्रबंधकों की नाकामी से सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होने से कहीं कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो वो एक बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से दर्शनार्थियों का आवागमन लगा हुआ है। इधर ट्रस्टियों की मनमानी से कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। प्रदेश में हर जगह धार्मिक तीर्थ स्थलों पर कोरोना गाइड पर दर्शन के लिए खुले हैं। बिना मास्क किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ मंदिर प्रबंधक बिना मास्क लोगों को मास्क लगाने की क्या शिक्षा देंगे। यहाँ मंदिर ट्रस्टियों की अव्यवस्थाओं के कारण लोग दर्शनार्थी खुलेआम बिना मास्क मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं मंदिर में कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाते नहीं है, न ही कोई मंदिर प्रबंधकों की ओर से कोई अलग से व्यवस्था की गई है। आहूर के आदर्श विद्या मंदिर माधोपुरा में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मातृशक्ति पूजन व गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष प्रकाश मूथा, मुख्य अतिथि दिलीप चंद मूथा, विशिष्ट अतिथि समिति प्रचार प्रमुख पूर्व छात्र परिषद सह संयोजक रमेश कुमार टेलर ने गुरु राजेंद्र सुरेश्वर जी व माँ सरस्वती भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में मंच संचालन प्रधानाचार्य जयंतीलाल प्रजापत ने किया। इस अवसर पर सभी गुरुओं को भेंट देकर सम्मानित किया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।